गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंसंट्रेशन टर्म्स को और कितने तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पार्ट पर मिलियन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, दीज ऑल आर द कंसंट्रेशन टर्म्स by which we can determine the amount of solute present in a solution. इसी वे में आज नेक्स्ट टर्म हम डिस्क्राइब करेंगे जिसका नाम है मोलैरिटी। आओ शुरू करें। मोलैरिटी It is defined as the number of moles of solute present in per liter of solution. In per liter of solution. मोलैरिटी को कैपिटल एम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। और कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे? मोलैरिटी इक्वल्स टू में हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां से इसकी यूनिट निकाल लेंगे, ये हो जाएगा आपका मोल अपॉन में लीटर, पोस्ट में हो जाएगा मोल पर लीटर। ये आपका मोलैरिटी। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं मोलैरिटी को डिफाइन करने के लिए। सपोज कीजिए 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, देन Calculate the molarity. अब इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हमें क्या चाहिए और कैसे हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। यानी कि n इक्वल्स टू होता है W/m। दिस फॉर्मूला इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। n इक्वल्स टू W/m। W क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। और m क्या है? मोलर मास। यहां से आप क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को निकाल के यहां रख देंगे और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आसानी से ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। यहां हम इसकी वैल्यू रखेंगे 4 ग्राम ऑफ NaOH है, तो W कितना हो जाएगा आपका? 4 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लीटर है?
5 लीटर, V कितना है 5। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो N इक्वल्स टू हो जाएगा आपका W by M, W हो गया आपका 4, अपॉन में M निकालेंगे N यूनिट्स का, तो M कितना हो जाएगा N यूनिट्स का 40 निकालेंगे यहाँ पे, NaOH सोडियम का 23 हो गया, और ये 16 और ये 1, 23 और 17 कितना हो गया 40, 4 1 जा 4 10 जा कितना हो गया आपका 40, और ये कितना आ गया आपका 0.1। तो n निकल गया आपका। अब आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, तो मोलैरिटी इक्वल्स हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स यानी 0.1 डिवाइड में कितने लीटर है 5 लीटर, ओनली 5। यहां से आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक मैंने एग्जांपल बताया कि मोलैरिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, कि आपके पास दोनों कंसंट्रेशन टर्म है, एक तो है आपके पास मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म है, एंड मोलैरिटी विच टर्म इज अफेक्टेड बाय, विच टर्म इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यानी कि इन दोनों में से किस पे आपका टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, तो ये आपका क्वेश्चन है। मोलैरिटी एंड मोलैरिटी दोनों में से किस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, तो आप जानते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला ये रहा। यहीं पे मैं मोलैरिटी का लिख लेता हूँ, मोलैरिटी को स्मॉल m से दिखाते हैं, और स्मॉल m इक्वल्स हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये फॉर्मूला हो गया आपका मोलैरिटी का। अब आपको मैंने दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख के दिखा दिए, दोनों फॉर्मूलों में ऊपर क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है, जबकि मोलैरिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट आता है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इन दोनों में से किस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे होता है, वॉल्यूम जो होता है वेरीज, वॉल्यूम वेरीज विद टेम्परेचर, ये आपने पढ़ा, वॉल्यूम वेरीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने के साथ वॉल्यूम भी बदलता है। तो आप देखो किस टर्म में वॉल्यूम आया है मोलैरिटी के केस में, तो अगर टेम्परेचर बदलेगा तो वॉल्यूम बदलेगा, और अगर वॉल्यूम बदलेगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगी। इसका मतलब इन दोनों प्रॉपर्टीज में से मोलैरिटी और मोलैरिटी में से मोलैरिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, जबकि मोलैरिटी में क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट है नीचे, और आप जानते हैं कि मास का टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, मास डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, व्हाइल वॉल्यूम इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि मोलैरिटी जो टर्म है दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इस पर टेम्परेचर का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि मोलैरिटी पे टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो जनरली पूछा जाता है। तो यहां से बेटा आपने देख लिया कि मोलैरिटी की यूनिट क्या है मोल पर लीटर, उसी प्रकार यहां पे मोलैरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मोलैरिटी की यूनिट हो जाएगी मोल अपॉन में केजी, या इसको क्या लिखते हैं बेटा मोल पर केजी, क्लियर।
और एक क्वेश्चन ये बता दिया है कि दोनों में से किस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, और न्यूमेरिकल की सहायता से मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार बेटा दूसरा जो टर्म आएगा, दूसरा जो टर्म है आपका, इसमें जो हमने पढ़ना है वो है बेटा आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बहुत ध्यान से सुनेंगे। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन से दिखाते हैं इसको, एंड डिफाइंड एज number of gram equivalent of solute present in per liter of solution, ये इसकी डेफिनेशन होगी कि how much number of gram equivalent of solute present in per liter of solution। यहां से इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे आप, नॉर्मेलिटी बराबर लिखेंगे number of gram equivalent divided by volume of solution in liter, volume of solution in liter। यहां से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहां से इसकी यूनिट होगी डियर व्यूअर ग्राम क्यूब डिवाइड अपॉन लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या लिखेंगे इसको, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब नॉर्मेलिटी तो हमने समझ लिया कि ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला है, आओ देखते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड, अगर आप एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इक्वल्स में क्या होगा, किसी भी एसिड का अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो क्या होगा आपका मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एसिड ले रहे हैं, तो एसिड के केस में क्या लेते हैं, बेसिसिटी। ये तो हो गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। अगर एसिड का निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप HCl का निकालते हो, HCl का ग्राम इक्विवेलेंट अगर आप निकालते हो तो कैसे निकालोगे HCl का ग्राम इक्विवेलेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl डिवाइड बाय बेसिसिटी। हाउ मच रिप्लेसिबल हाइड्रोजन इन HCl, 1, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा आपका 1, यहां पे आ जाएगा आपका 1। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया HCl का, ये हो गया आपका 1 प्लस में 35.5 इक्वल्स में 36.5। इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो ये आएगा आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl हो जाएगा आपका 36.5 डिवाइड बाय 1, इक्वल्स में कितना आ जाएगा 36.5। दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NH। सिमिलरली ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस बराबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइड
यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर मास लेंगे लेकिन बेस का लेंगे, डिवाइड बाई बेसिसिटी की जगह क्या आ जाएगा, बेस के केस में एसिडिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा एसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया NaOH, अब आपने NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट निकाला, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, मान लो आपने NaOH ले लिया, NaOH का मोलर मास निकालेंगे 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल्स टू में 40। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकालेंगे, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस कितना है आपका 40, और डिवाइड बाय एसिडिटी कितनी है, मैंने कहा रिप्लेसिबल हाइड्रोजन देखेंगे क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो एक ही रिप्लेसिबल OH है तो इसलिए कितना हो जाएगा 1, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इक्वल्स में आ जाएगा 40। ये 40 हो गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये सेकंड टर्म था जिसे हम क्या कहते हैं आपका नॉर्मेलिटी में था ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है ये आपको पता चल गया। ऐसे ही हम H2SO4 का भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम एसिटिक एसिड का भी निकाल सकते हैं, ये ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक तरीका है। नेक्स्ट जो टर्म है इसमें वो है आपका बेटा, नेक्स्ट जो कंसेंट्रेशन टर्म है वो है आपका, ये मैं आपको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, वो है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, x से। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंट बाय, इट इज रिप्रेजेंट बाय x एंड डिफाइंड एज, एंड डिफाइंड एज द, एंड डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, कंपोनेंट डिवाइड बाय, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट। कैसे दिखाएंगे इसमें, किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन को मान लो मैंने 1 मान लिया और सॉल्यूट को मैंने मान लिया XB, XB और सॉल्वेंट को मान लिया मैंने XA, देन देन मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे दिखाएंगे, XA मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपका एक्स ए अपॉन में एक्स ए प्लस एक्स बी, ये हो जाएगा ए क्या मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा एक्स बी अपॉन में एक्स ए प्लस एक्स बी, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इन दोनों फॉर्मूला की सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, किसी सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट कंपोनेंट्स हैं उनका आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज कीजिए मेरे पास 4 ग्राम इथाइल है, 4 ग्राम C2H5OH, और इसको आपने डिसॉल्व कर दिया 6 ग्राम ऑफ वाटर, कितना आपके पास 4 ग्राम
4 ग्राम मिथाइल अल्कोहल है, डिजॉल्व कर दिया आपने, कितने में डिजॉल्व कर दिया ये दिखाई दे रहा है, कितने में डिजॉल्व किया आपने, 6 ग्राम ऑफ H2O में डिजॉल्व कर लिया। और आपसे कहा गया कैलकुलेट कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो आप कैलकुलेट कर लोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल कॉस्ट हो जाएगा कितने हैं, 4 अपॉन में 6 ग्राम H2O के साथ मिलकर के सॉल्यूशन बनाया तो क्या हो जाएगा आपका 4 + 6 क्या हो जाएगा 4/10 ये कितना आ जाएगा, ये हो गया क्या आ जाएगा 2.5 मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो गया। थैंक यू।